हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। मैं डीके यादव अपने यूट्यूब चैनल बेसिक कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो अकाउंटेंसी में जनरल एंट्री चैप्टर का 10th वीडियो है। इससे पहले हमने ऑलरेडी जनरल एंट्री से रिलेटेड 9 वीडियो जनरल एंट्री वाले प्लेलिस्ट में अपलोड कर रखा है। अगर आपने अभी तक उन 9 वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर उन 9 वीडियो को देख लें, ताकि जो भी चीजें पढ़ाई हो रही है, जो भी चीजें आज की इस वीडियो में बताई जाएगी, उसे आप स्टार्टिंग से समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा ये वीडियो अकाउंटेंसी में जनरल एंट्री चैप्टर का 10th वीडियो है, जिसमें हम लोग देखेंगे जनरल एंट्री से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शंस को, और उन सभी ट्रांजैक्शंस का फिर हम लोग जनरल एंट्री बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन, क्या है ट्रांजैक्शंस। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ श्याम सुंदर। श्याम सुंदर कौन है? बिजनेसमैन का नाम है। यानी जब तक ये सभी ट्रांजैक्शंस को, यानी इस क्वेश्चन को हम लोग नहीं बना लेते हैं, यानी सॉल्व नहीं कर लेते हैं, तब तक आपको अपने आप को क्या मानना है? एक बिजनेसमैन ट्रीट करना है, यानी अपने आप को एक बिजनेसमैन मानना है। यानी बिजनेसमैन का नाम क्या है? श्याम सुंदर। यानी आपका नाम है श्याम सुंदर, यानी आप एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। ठीक है, तो अपने आप को बिजनेसमैन ट्रीट करते हुए, यानी अपने आप को श्याम सुंदर मानते हुए, हम लोग क्या करेंगे? इन सभी ट्रांजैक्शंस को बनाएंगे। तो 2014 अप्रैल 1 से लेकर अप्रैल 10 तक कुछ ट्रांजैक्शंस दिया गया है, जिसका सॉल्यूशन हम लोग यहां बनाएंगे। ठीक है, ये जनरल एंट्री का फॉर्मेट है। डेट पार्टिकुलर्स एलएफ यानी लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ऊपर में लिखना है जनरल ऑफ श्याम सुंदर। ठीक है, तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं और यहाँ उसका जनरल हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो 2014 अप्रैल 1, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डेट को 2014 अप्रैल 1। क्या है, पढ़ते हैं ट्रांजैक्शंस क्या है। श्याम सुंदर स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹75,000, गुड्स ₹30,000 एंड फर्नीचर ₹5,000। श्याम सुंदर ने, यानी बिजनेसमैन ने, यानी आपने बिजनेस में क्या लाया है? बिजनेस में आप क्या लाते हैं? बिजनेस में लाते हैं कैश 75,000 का, गुड्स 30,000 का और फर्नीचर 5,000 का। क्यों क्यों लाते हैं? बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। स्टार्टेड बिजनेस यहां लिखा हुआ है, स्टार्टेड बिजनेस, यानी बिजनेस में आने वाला एसेट को हम लोग डेबिट करते हैं और जाने वाला एसेट को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आने वाला एसेट जो है क्या है? कैश है, गुड्स है और फर्नीचर है। तो तीनों को बारी बारी हम लोग डेबिट करेंगे, यानी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। कितना है कैश का अमाउंट? 75,000 हम लोग लिखेंगे अमाउंट का कॉलम में 75,000। ठीक है, गुड्स है तो गुड्स को स्टॉक लिखते हैं, तो लिखेंगे स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट। कितना है? 30,000, 30,000 लिख देंगे अमाउंट का कॉलम में, स्टॉक अकाउंट डेबिट। ठीक है, आगे देखते हैं। फर्नीचर है, गुड्स को स्टॉक लिखें और फर्नीचर को फर्नीचर भी लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कितने का है? 5,000 का। ठीक है, फर्स्ट टाइम में ये तीनों लगाया गया है बिजनेस को स्टार्ट करते समय। तो बिजनेस को स्टार्ट करते टाइम जो भी एसेट, चाहे वो कैश के रूप में हो, चाहे वो स्टॉक के रूप में हो, चाहे फर्नीचर के रूप में हो या किसी अदर एसेट के रूप में हो, उसे हम लोग कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल। उसे हम लोग कैपिटल बोलते हैं। और कैपिटल जब इंक्रीज करता है, मॉडर्न रूल में लिखवाया गया है, जनरल एंट्री का जो मॉडर्न रूल है उसमें लिखवाया गया है कि कैपिटल जब
इंक्रीज करता है तो उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ कैपिटल को हम लोग क्रेडिट करेंगे, तो क्या लिखेंगे क्रेडिट में, क्या लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट, तीनों को ऐड करके लिखेंगे 1,10,000, ठीक है 1,10,000। यहां हम लोग नरेशन लिख देंगे बींग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश गुड्स एंड फर्नीचर, कैश गुड्स एंड फर्नीचर के साथ हम लोग बिजनेस को स्टार्ट किए, फिर यहां से यहां तक हम लोग एक लाइन खींच करके क्लोज कर देते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अप्रैल 4 में पहले हम लोग यहां लिखेंगे डेट अप्रैल 4, ठीक है। क्या है पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम है ₹7,000। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है, एक एक्सपेंसेस है, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करते हैं, नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट करते हैं। तो इंश्योरेंस प्रीमियम को यहां डेबिट करेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट और इंश्योरेंस प्रीमियम में क्या देते हैं कैश। तो जाने वाला एसेट क्या है, कैश है, तो कैश को हम लोग क्रेडिट करेंगे, जाने वाला एसेट को क्रेडिट करते हैं रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहां लिखेंगे टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, यहां जो अमाउंट है 7,000 है, तो डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में 7,000 लिख देंगे, ठीक है। नरेशन लिख देंगे बिंग करके, बिंग पेड इंश्योरेंस प्रीमियम इन कैश, ठीक है, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम इन कैश। आगे देखते हैं क्या है डेट अप्रैल 6, अप्रैल 6 में क्या बोला है, अप्रैल 6 क्या बोल रहा है, पेड रेंट ₹800 एंड एडवर्टाइजमेंट ₹1,000 एंड सैलरीज ₹5,000 बाय चेक, यानी रेंट एडवर्टाइजमेंट और सैलरी ये तीनों एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस को हम लोग डेबिट करते हैं नॉमिनल अकाउंट का रूल्स के अकॉर्डिंग, तो क्या करेंगे इस तीनों आइटम को यानी रेंट को, एडवर्टाइजमेंट को और सैलरीज को डेबिट करेंगे। तो क्या लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट कितना है 800, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट एक्सपेंसेस है इसीलिए डेबिट किया जा रहा है, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट कितना है 1,000, सैलरीज को भी डेबिट करेंगे, सैलरीज अकाउंट डेबिट कितना है सैलरीज का 5,000, ठीक है। इन तीनों एक्सपेंसेस को पेड किया गया है बाय चेक, चेक से अगर हम लोग कहीं पेमेंट करते हैं यानी किसी को भी चेक देते हैं तो वहां बैंक लिखा जाता है, कैश देंगे तो कैश लिखेंगे जैसे यहां लिखे थे, लेकिन चेक देंगे जहां भी चेक से पेमेंट करेंगे वहां बैंक लिखना पड़ता है। तो यहां हम लोग क्या लिखेंगे यानी जाने वाला एसेट क्या है चेक, चेक जा रहा है तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, यानी टू बैंक अकाउंट, इन तीनों अमाउंट का टोटल लिखेंगे यानी 6,800।
ठीक है, टू बैंक अकाउंट में इस तीनों अमाउंट का टोटल 6800 लिख दिए। अब इसका नरेशन लिखेंगे, बिंग पेड रेंट कॉमा एडवर्टाइजमेंट एंड सैलरीज बाय चेक, यानी चेक के द्वारा जो है पेड किया गया रेंट एडवर्टाइजमेंट एंड सैलरीज। ठीक है, यहां से क्लोज कर दिए। देखते हैं आगे का क्या है ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है देखते हैं। अप्रैल 10 है, तो सबसे पहले हम लोग यहां लिखेंगे अप्रैल 10 में क्या है देखते हैं। पेड फॉर श्याम सुंदर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ₹2000। श्याम सुंदर कौन है? श्याम सुंदर बिजनेसमैन है, यानी आप हैं। श्याम सुंदर आप हैं, तो आपने अपना लाइफ का इंश्योरेंस करवाया बिजनेस का पैसा से, तो बिजनेस का पैसा से हम अपना लाइफ का इंश्योरेंस करवाएंगे, तो बिजनेस के लिए तो एक प्रकार का लॉस है, क्योंकि बिजनेस का पैसा जा रहा है लेकिन उससे बिजनेस का कोई काम नहीं हो रहा है। ठीक है, बिजनेस का पैसा जा रहा है लेकिन बिजनेस का काम नहीं हो रहा है। बिजनेसमैन जो है यानी आपने, यानी श्याम सुंदर ने अपना लाइफ का इंश्योरेंस करवाया है। तो जब पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला जाता है, यानी ये खर्च जो हो रहा है लाइफ का इंश्योरेंस करवाना, ये पर्सनल एक्सपेंसेस है, तो अपना पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए यानी पर्सनल खर्च करने के लिए पैसा बिजनेस से निकाला जाता है, तो उसे ड्रॉविंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रॉविंग्स। तो यहां लिखेंगे ड्रॉविंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश जा रहा है, जाने वाला एसेट क्या है? कैश है। टू कैश अकाउंट कितना अमाउंट है? 2000। तो 2000 लिख देंगे डेबिट में और क्रेडिट में। ठीक है, इसका नरेशन लिख देंगे बिंग पेड फॉर श्याम सुंदर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहां से क्लोज कर देंगे और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, इसका टोटल करेंगे। टोटल करने पर देखते हैं कितना आता है। यहां लिख देंगे टोटल और इसका साइन भी लगा देंगे और देखेंगे टोटल करने पर कितना आता है। तो इधर से आपका 1,10,000 और 7,000, 1,17,000 और 6,800, यानी 1,23,800 और 2,000, 1,25,800, 1,25,800। ठीक है, 1,25,800 आ गया इसका टोटल। यानी इस तरह से हम लोग इन सभी ट्रांजैक्शंस का जर्नल एंट्री यहां बना चुके हैं। और जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरे अच्छे तरह से इसको समझ गए होंगे, और अगर अभी भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है इन सभी ट्रांजैक्शंस को लेकर के, तो आपके लिए हमारा कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपका जो भी कमेंट होगा उसका मैं रिप्लाई दे पाऊं। ठीक है दोस्तों, जहां तक मुझे उम्मीद है कि आज का हमारा ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा, और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा ये YouTube चैनल बेसिक कॉमर्स एकेडमी आपके लिए यूजफुल है, आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस चैनल के माध्यम से कुछ सीख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करते रहें।
जरूरतमंद लोगों तक वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग हमारे इस चैनल से जुड़कर भरपूर बेनिफिट ले सके और अपनी कॉमर्स की पढ़ाई अच्छे से कर सके। ठीक है दोस्तों, और अगर आप हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए जाने वाले पीडीएफ फाइल नोट्स को लेना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में चैनल इंट्रोडक्शन नाम की एक वीडियो है जिसे आप जाकर देख लेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे हम पीडीएफ फाइल नोट्स को ले सकते हैं और कैसे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एक पीडीएफ फाइल नोट्स ऐसी है जिसे लेने के बाद न ही आपको कहीं ट्यूशन पढ़ने की जरूरत पड़ेगी और न ही आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पीडीएफ फाइल नोट्स को लेने के बाद आप घर में सेल्फ स्टडी करेंगे, हमारे वीडियोस को देखेंगे और जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे। हमारे द्वारा आपकी जो कुछ भी प्रॉब्लम्स होगी उस प्रॉब्लम्स का 100% सॉल्यूशन दिया जाएगा। यानी टोटल मिलाकर अगर बोले तो अगर आप बहुत ही सस्ता में बेहतर ढंग से अपने कोर्स का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अपने एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए जाने वाले पीडीएफ फाइल नोट्स को लें और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जनरल एंट्री से रिलेटेड फिर कुछ नए नए ट्रांजेक्शन को देखेंगे और उन सभी ट्रांजेक्शन का जनरल हम लोग बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।